लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा चुनाव में मिली बंपर जीत का जश्न मना रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और लगातार आज ही दिवाली मन गई, आज ही हमारे अपनी होली मन गई। मैं आज के अवसर पर हमारे अपने भोपाल के जिला अध्यक्ष और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, हमारे विधायकगण माननीय रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबदानी जी और सारे मित्रों के साथ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मंडल तक अपने उत्साह के साथ इस विजय जश्न को मनाने का जो निर्देश जारी किया था, हम सब आतिशबाजी के साथ आज भाजपा की भारी जीत के लिए, हरियाणा के जीत नहीं है वास्तव में सच्चे अर्थों में जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि गीता की धरती पे सत्य की जीत हुई है। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को, नड्डा जी को, माननीय एच एम साहब को, जिनके नेतृत्व में आज किसान, जवान, गरीब, युवा, महिला सब हरियाणा के लोगों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और कांग्रेस को धूल चटा दी। मेरी अपनी ओर से बधाई। दरअसल हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले किसी भी पार्टी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी लगातार दो बार सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की लगातार दो बार सरकार बनी। इसमें मनोहर लाल खट्टर दोनों बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीसरी बार नायब सिंह सैनी को 6 महीने पहले सीएम बनाया गया और तीसरे चुनाव के बीच पार्टी चली गई। ऐसे में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, बहुमत मिली है।